कोरोना संक्रमण काल में भी पटना एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बिहार में संक्रमण का दर घटा है, लोग अब घर से बाहर निकलने लगे हैं, कहीं ना कहीं यही कारण है कि पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब बड़ी संख्या में मजदूर भी पलायन कर रोजी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश को जा रहे हैं। मजदूरों का साफ साफ कहना है कि बिहार में रोजगार नहीं है और यही कारण है कि हम लोग दूसरे प्रदेश जा रहे हैं। काम नहीं मिल रहा है सर, तो इसलिए जा रहे हैं। कौन काम करते हैं आप वहाँ? मजदूरी करते हैं। कहाँ जा रहे हैं? अहमदाबाद जा रहे हैं। हाँ। काम से काम हाँ। करने के लिए। बिहार में कोई काम नहीं मिलता है। 15 साल से नीतीश सरकार को रखे हैं, किसके लिए वोट किसके लिए देते हैं? नौकरी के लिए। हमें क्या चाहिए सरकार से? पानी तो खरीद के देगी नहीं, खाना देगी नहीं, रोड दे दिया, बिजली दे दिया, अब नौकरी भी दे दो तो हम बाहर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। वहाँ लोग क्या बोलते मालूम है? भैया आया, ये इज्जत बुलाते हैं नीतीश कुमार के सरकार में? तो नीतीश कुमार जी आप देखिए इस चीज़ को। निश्चित तौर पर पटना एयरपोर्ट से 48 जोड़े विमानों का परिचालन किया जा रहा है और अब यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं विमान रद्द होने का जो सिलसिला पिछले एक महीने से जारी है उसमें कमी आई है। कुंदन कुमार, ATV भारत, पटना।